घर से अपने दोस्त को बुलाकर बाद में उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद बदमाश शव को सिविल अस्पताल में स्कूटी पर छोड़कर चले गए। हत्या करने के पीछे पैसे के लेन देन को लेकर बात की जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर हत्या का सही कारण क्या था। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया गया है, जबकि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। विशाल नाम है, आप उसके क्या लगते हैं? मैं उसकी फूफा का लड़का हूँ। अच्छा, वो कब मिला था? वो जी आज सुबह सुबह कोई दो बंदे स्कूटी पे छोड़ के गए थे हॉस्पिटल में। अच्छा, और पार्क की घटना बता रहे हैं तो? हाँ जी, पार्क में कह रहे हैं, पार्क में से उठा के उसे और हॉस्पिटल में छोड़ के गए सुबह सुबह दो बंदे। अच्छा, 5 बजे। और लास्ट टाइम तो कब बात हुई थी विशाल से आपकी? लास्ट टाइम तो जी उनके मम्मी पापा की बात हुई थी, कह रहे थे कि मैं मयूर की दुकान पर से कपड़े लेने जा रहा हूँ दिल्ली। अच्छा, उस टाइम बात हुई थी। और किसी से रंजिश है उसकी? रंजिश का तो पता नहीं थी, जैसे उसके यार दोस्त बता रहे हैं, कोई अरमान है, अरमान नाम का लड़का है, और उनके साथ रात को गाड़ी में गए हुए थे, और वो फेसबुक पे फोटो भी डाल रखी है वीडियो बना के। फेसबुक पे लाइव वीडियो आपने देखी हुई है? यदि दोस्तों के फ़ोन में देखी थी, उसके यार दोस्तों उन्हीं के फ़ोन में देखी थी। अच्छा, और ये कहाँ के रहने वाले हैं वैसे विशाल जी? राजीव कॉलोनी के रहने वाले हैं और ये बल्लभगढ़ में किराए पर रहते हैं जी। कहाँ पर? बल्लभगढ़ में गांव सिरमतला और बल्लभगढ़ में किराए पर रहते हैं। जैन कॉलोनी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी उनके चोट लगी हुई है तो वो घर पे रहते हैं। आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी उसकी? मेरी लास्ट टाइम बात हुई है 11:30 बजे। अच्छा, 11:30 बजे कह रहा मैं बदरपुर के पास पहुंच गया, मम्मी मयूर की दुकान का सामान लेने गए हैं, माल मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। अच्छा, और किसी दुश्मनी बता रहा था वो? काई से दुश्मनी नहीं थी, मगर वो एक सुभाष कॉलोनी का है एक लड़का। क्या नाम है उसका? अरमान नाम का है। तो उसी दुश्मनी थी आपको? दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ झगड़ा हुआ था, एक लड़ाई हो गई आपस में, तो ये कह रहा था यहाँ तो पैसे दे दे मेरे आधे आधे हिस्से के, तो पैसे भी देता था उससे, मगर रात को उसी के साथ गया, वो गाड़ी में उसी के साथ दिख रहा है। अच्छा, उसी के साथ दिख रहा है? उसी के साथ दिख रहा है। सर, एक मर्डर हुआ है कहाँ पर? हाँ जी, एक मर्डर हुआ है सर कहाँ पर? हाँ, यहीं पार्क में हुआ था, विशाल नाम का आदमी है। तो अभी भी तो शुरुआती तौर पे पता चला है कि इनका आपस में पैसे का लेन देन 10-12 हज़ार रुपये का लेन देन था। एक अरमान नाम के आदमी का नाम सामने आया, अरमान और उसके वो दोनों ही रात से गायब थे। तो अभी तफ्तीश जारी है। कितनी उम्र होगी लगभग इसके? हाँ, इसकी लगभग उम्र है 19 साल और अरमान की भी इतनी ही उम्र है। दोनों की पैसे के लेन देन पे? हाँ, पैसे के लेन देन, उनके परिवार जनों ने बताया, अभी तक पैसे के लेन देन के ही उनका मैटर बताया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से जो भी सस्पेक्टेड है उनको उठा लिया गया, आगे तफ्तीश में जो भी सामने आएगा कार्रवाई करेंगे।